तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बाइनेंस से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव आपको BUSD परचेज करके दिखाएंगे और आप इसी प्रकार से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आपको क्रिप्टो करेंसी बाय करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, यह बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा और आपको क्रिप्टो करेंसी भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम करेंसी बाइनेंस से ख़रीदने वाले हैं, तो आप बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। दोस्तों, आपको पहले बाइनेंस का अकाउंट बनाना होता है, तो हमारा अकाउंट पहले से ही है, हम इस पर सिर्फ करेंसी बाय करके दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं, हमने अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे नीचे तीन ऑप्शन शो होंगे, आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारा पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक है तो हमें कुछ करेंसी शो हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे वैलेट में कितना फंड है यह शो हो जाएगा। तो यह देखिए, हम लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा वैलेट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी करेंसीज होंगी कि आपने कितने रुपए की करेंसी खरीद रखी हैं और कौन कौन सी खरीद रखी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, हमें अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो वह किस प्रकार से करनी है। दोस्तों, आपको नीचे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एरो का, यह देखिए येलो कलर में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन होते हैं, बाय, सेल और कन्वर्ट। दोस्तों, हम सिर्फ आपको करेंसी बाय करके दिखाएंगे, तो हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी करेंसी आ जाएंगी। अगर आपको इनमें से कोई नहीं ख़रीदनी है तो आपको ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, आपको वहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर जो भी करेंसी आपको बाय करनी है वह यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए, हमें BUSD बाय करनी है तो हमने BUSD यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर हमें कितने रुपये की करेंसी ख़रीदनी है वो रुपये हम यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों, हम जितने रुपये की करेंसी खरीदना चाहते हैं उतने रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं और नीचे बाय BUSD पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। आप देखिए, आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है, IMPS करना है, UPI करना है या बैंक ट्रांसफ़र करना है, और उसी के सामने आपको यह भी दिख जाए कि आप अगर कौन सा पेमेंट करोगे तो आपको कितनी BUSD प्राप्त होंगी। दोस्तों, यह देखिए, हम UPI पर क्लिक करते हैं और नीचे कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शन आता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर चैट का ऑप्शन भी आता है ऊपर, तो आप चैट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ लिख के भेज देते हैं, जैसे कि आप यहाँ से कुछ भी लिख कर सेंड करते हैं तो दूसरी तरफ से कुछ रिप्लाई आ भी सकता है और नहीं आता है फिर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल सिक्योर तरीका है BUSD बाय करने का या कोई भी करेंसी बाय करने का, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। दोस्तों, आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट भी कर सकते हैं। यह देखिए, हमने यहाँ से हेलो लिखकर सेंड किया था लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं और यह देखिए, यहाँ पर आपको उसकी UPI ID, नाम और यहाँ पर सब कुछ डिटेल मिल जाएगी पेमेंट करने के लिए। हम इनकी UPI ID कॉपी कर लेते हैं और आपको अपने फ़ोन का होम बटन दबाना है। यह देखिए, आपको दिख रहा होगा बीच वाला बटन जो होता है होम बटन, आपको वह वाला बटन दबाना है, यानी कि आपको जो पेमेंट वाला मोड है यह आपको कैंसिल नहीं करना है। दोस्तों, आप बाइनेंस से कोई भी करेंसी बाय करते हैं और कोई भी ऑर्डर डालते हैं तो आपको कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप एक दिन में 3 बार ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो आपका बाइनेंस का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब दोस्तों, हम यह देखिए वहाँ से बैक आ गए थे, अब हम जिस एप्लीकेशन से भी अपना UPI पेमेंट करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहाँ से जो रुपए हमने करेंसी बाय करते वक्त बाइनेंस के ऑर्डर में डाले थे, हम उतने ही रुपए फ़ोनपे की UPI ID से उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमने अपना फ़ोनपे अकाउंट ओपन कर लिया है, आपको टू बैंक UPI ID पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर UPI ID पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इधर, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर जो आपने ID बाइनेंस के अकाउंट से कॉपी की थी, आपको यहाँ पर वह वाली ID पेस्ट कर देनी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके ID पेस्ट कर देते हैं और यह देखिए, राइट क्लिक करके और ID को वेरीफाई कर लेते हैं, हमारी ID वेरीफाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कोई भी निकनेम डाल सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। दोस्तों, हम यहाँ पर बाइनेंस डाल देते हैं और बाद में 900 भी डाल देते हैं। दोस्तों, हम बाइनेंस 900 डाल देते हैं, हम एक बार बैक आते हैं और सेव करते हैं। तो दोस्तों, यह देखिए, वेट कर लीजिए। दोस्तों, हमारी ID सेव हो रही है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये देखिए हमारी आईडी सेव नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर जो 900 है ये हमारे डिजिट हम इन्हें काट देते हैं और आईडी सेव करते हैं, तो ये देखिए हमारी यूपीआई आईडी सेव हो जाती है। अब दोस्तों हमारी यूपीआई आईडी सेव हो जाती है तो हम यहाँ से 900 रुपये का पेमेंट यूपीआई आईडी पर कर देते हैं। हम नीचे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें पेमेंट करने के लिए अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों हमारा जिस नाम से भी बाइनेंस का अकाउंट है अगर हम उस वाले अकाउंट से ही सेंड करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो हम ये देखिए इस अकाउंट से करेंगे। अब आपको अपने अकाउंट का यूपीआई पिन डालना है। दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हम आपको अपना यूपीआई पिन शो नहीं करा सकते, तो आप अपने यूपीआई पिन डाल दीजिए। यह देखिए अब हमारा पेमेंट हो गया है। यह देखिए इस नंबर पर हम इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दोस्तों हमें वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी सेंड करना होता है जिससे कि हमारा पेमेंट कंफर्म हो जाता है और हमें BUSD मिल जाएंगे। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बाइनेंस की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो हमारा बाइनेंस का जो पेज था हमारा वही पेज ओपन हो जाएगा जो पेमेंट वाला पेज था। तो यह देखिए हमारा यही पेज ओपन हो चुका है। अब हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और फिर हमको ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है। इससे जो हमारा सेलर है उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी कि दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया है, तो उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। दोस्तों यह देखिए हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। आपको इसमें 5 से 10-15 मिनट लग सकती हैं आपके BUSD रिसीव होने में। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट वाला ऑर्डर था हमें BUSD प्राप्त भी नहीं होते और हमसे वह ऑर्डर गलती से बैक हो गया है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना है? दोस्तों यह देखिए हमने पेमेंट भी कर दिया है अपने फ़ोनपे से और हमें BUSD अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना चाहिए जब हमारे साथ ऐसा कुछ गलती से हो जाए? तो दोस्तों यह देखिए अभी भी हमारे BUSD नहीं आए हैं। हम थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा गलती से हो जाता है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको आपके BUSD मिल सकते हैं। तो दोस्तों यह देखिए हमने दोबारा से एप्लीकेशन बैक करके दोबारा ओपन की तो हमारे BUSD अभी भी हमको नहीं मिले हैं। दोस्तों हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। यह देखिए हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर आपके BUSD कुछ टाइम वेट करने के बाद भी नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है? यह देखिए अब आपको पहले जैसे ही होम पेज पर आ जाना है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले थे। यह देखिए हमें यहाँ पर होम पेज पर आना है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमें हमारे BUSD मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो आप भी देख सकते हैं अभी भी हमारे BUSD हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अब हमको दोबारा से बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे हमने पहले किया था और 900 रुपये के BUSD बाय करने हैं और UPI से सेम प्रोसेस करना है। और दोस्तों हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए हमारे सामने जो पहला वाला सेलर था वही सेलर आया है। दोस्तों हम चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ से फ़ोटो पर क्लिक करते हैं और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था वह वाला स्क्रीनशॉट हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। दोस्तों हमने पहले स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं किया था तो हम इस बार स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते हैं। आप पहले ही स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते तो आपको शायद आपके BUSD मिल जाते। तो दोस्तों हम यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया है और ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर को क्लिक करते हैं जैसे हमने पहले किया था। और यह देखिए आपके हम यहीं पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यह वाला पेज बैक नहीं करना है। तो दोस्तों पहले हमसे गलती से यह पेज बैक हो गया था और इसी वजह से हमें BUSD मिलने में थोड़ी देरी हो गई थी दोस्तों, लेकिन हमें BUSD फिर भी नहीं मिले थे। लेकिन हम इस बार यहीं पर वेट करते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं तो देखते हैं हमें BUSD मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अभी भी हमें हमारे BUSD प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम होम बटन को दबाकर अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ जाते हैं और कुछ टाइम बाद अपने बाइनेंस के अकाउंट को ओपन करके देखते हैं। यह देखिए हम अपने बाइनेंस के होम पेज पर हैं और हम अपना बैलेट चेक करते हैं। तो यह देखिए अब हमें हमारे BUSD प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमें वहाँ पर जब हमने बाय किए थे तो 11.3093 कुछ इतने ही BUSD दिखा रहा था और हमें इतने ही BUSD रिसीव हो गए हैं। और जो हमारा पहला बैलेंस था 1.27 USDT वो हमें हमारा शो हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्त आपको भी अगर इस प्रकार की कुछ दिक्कत आती है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आपको आपके BUSD मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।